उसके बारे में तो हजर बार नाला चल बात आपको माशाल्लाह सब लोग बड़े लिखे लोग हैं क्योंकि बिहार बंगाल से आए चार बड़े बड़े आदि हजरात बड़े बड़े मदरसों के लोग ये तो पंजाब है बिगड़ा हुआ पंजाब है आज से 72 साल में उजड़ गया था हमसे ज्यादा समझदार है हमसे ज्यादा आपके अंदर शुरू है हमसे ज्यादा ही प्राप्त है आप लोग ये बात यह कहना चाहता हूं कि अगर आपकी बीमार हो और उसको खांसी और नजला हो और डॉक्टर के पास जाए और बोले दीजिए कोई खांसी और नजला है तो उसको बजाय खांसी और नजले की दवाई देने की वो उसको टांगों के दर्द की दवाई दे दे पेट की दवाई दे दे तो क्या वो दवाई जो है वो खांसी और नजले के लिए काम आ जाएगी? बीमारी उसको खांसी न देने की दवाई आप दे उसको पेट दर्द की 30 करोड़ मुसलमान जिस मुल्क में हो 30 करोड़ अल्लाह के मतलब 30 करोड़ तो हमारी इल्म में है हो सकता है इससे ज्यादा भी उस मुल्क में 99% मौलवी मुफ्ती आलिम सिर्फ चंद लोगों को छोड़ के मसाजिद के अंदर फजाइल ज़कात फजाइल सदकात तलाक के मसाइल जायदाद के मसाइल कारोबार के मसाइल गुसल के मसाइल इसके ऊपर तकरीर हो और कौन को बीमारी है दूसरी उस बीमारी के ऊपर तो बोलने के लिए तैयार नहीं हर आदमी चाहता है हर आदमी चाहता है कि उसका मौलवी मुसलमान ये मोहम्मद बिन कासिम तारिक की ज़ियार उसका भी तसीर और टीपू सुल्तान हो लेकिन मेरे घर में ना पैदा हो अब्दुल रहमान के घर में हो यूसुफ के घर में पैदा हो मेरे घर में ना तहरीरें बड़ी बड़ी करते पजामा ऊंचा है उसके ऊपर बहस हो रही है विश्वास पे बहस हो रही है मस्जिद की बिल्डिंग बनाने में बहस हो रही है मदरसे की बिल्डिंग बनाने में बहस हो रही है मदरसे की इंतजामिया कैसी होनी चाहिए उस पर बहस हो रही है मस्जिद को कैसे खूबसूरत बनाना है इसकी बहस होनी चाहिए हो रही है ये मुझे बताओ कि ये मस्जिद मदरसे ये तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बच्चे ये औरतें ये लोग ये कभी तो जिंदा रह सकते हैं जब हमें कोई जिंदा रहने देगा अगर ये सारे के सारे मर जाएंगे और शहीद हो जाएंगे ये मस्जिदें ये कब्रस्तान ये मदरसे ये वीरान हो जाएंगे सारे के सारे इस पर तबलीग करोगे दीवारों को
इस बीमारी का ये इलाज है, तुम बताते हो उनको दूसरे मसाइल, भला भी क्या दूसरे मसाइल मत बताओ, बताओ वो अलहदा से बैठ के समझाओ। लेकिन इस वक्त जो कौम बीमार है उसका 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 असली इलाज क्या है वो तो कौम को बताने को तैयार नहीं है। और अगर कोई कौम को बताता है तो हमारे बड़े बड़े मौलवी जो तोहफे हैं हिंदुस्तान की, वो टीवी के ऊपर बैठकर उन मौलवियों के खिलाफ बोलते हैं कि ये जो बोल रहा है ना मौलवी, ये गलत बोल रहा है, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। नूरुद्दीन सदी रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क में रात को सो रहे थे, ख्वाब में नजर आया अल्लाह के प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमी दिखाया ख्वाब में कि ये मुझे तंग कर रहे। उठे, दो नफर नमाज पढ़ी, रोए, समझे मेरे की गुनाह है, फिर लेट गए। फिर दोबारा ख्वाब में नजर आया नूर रकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये दो आदमी मुझे तंग कर रहे, शक्लें दिखाई गई, फिर समझे कि मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई है। फिर दो नंबर नमाज पढ़े, फिर सो गए। फिर तीसरी दफा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर काबे में चलाया और दिखाया कि ये दो आदमी मुझे तंग कर रहे हैं, उसी वक्त उठे बाहर आए, उसकी आदत को बुलाया, उसको सारी बात बताई, उन्होंने कहा कोई बात जरूर है मदीने शरीफ में, उसी वक्त हुक्म किया था अभी चलेंगे। उसी वक्त रात को 25 दिन का सफर था, लेकिन लगातार चलते हुए 16 दिन के अंदर मदीना मनोवरा पहुंच गए। और वहां जाके अमीर मदीना से कहा जितने भी लोग मदीने में हैं आज, जितने भी असम की आई दावत है, सबको खाने में बुलाओ, कोई बचना नहीं चाहिए, आ गए सबने, सबको अपने हाथों से खुद देख खाना खिलाया, खुद देखते रहेंगे वो लोग आपकी कहा अगर नहीं उसका पूरा मदीना खा गया जी, कितना पूरा मदीना खा गया, कोई रह गया जी, कहने जी कोई नहीं रहा। एक ने कहा जी हाँ जी दो अल्लाह वाले रह गए, वो कौन है जी, वो कह रहे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अकदस के पास थोड़ी दूर में उन्होंने वो लगा रखा है अपना वो क्या नाम होता है खैमा, और वो सारा दिन लोगों को पानी पिलाते हैं, मुसल्ले विषय में नमाजें पढ़ते हैं, तो निकले चलो देखते चलते जो आ गया देखते ही पहचान लिए कि तो वही है जो ख्वाब में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि वही है। अब सबूत कोई नहीं, तलाशी कुछ नजर नहीं आया, वो दो नंबर नमाज पढ़ी अल्लाह से मांगे कि ख्वाब में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया, तो उसका ख्वाब तो बंद नहीं हो सकता। एक जगह देखा जमीन जो थी वो गीली थी, दबी हुई, उसको पैर रखा तो पता लगा कि ये जमीन जो है नीचे से के मसल्ले बिछा रखे, जब मसल्ले उतारे मिट्टी निकाली तो देखा कि वो सुरूप जो है वहां से पहुंच रहे थे, और अल्लाह के पैर के निशान से रोजे अंदर तक सुरूप पहुंच चुकी थी, हजरत अबू बकर या हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पैरों तक वो जो है सुरूप पहुंच गई थी। उनका मकसद था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें आकर जो है निकाल के ले जाए। कितनी बड़ी साजिश थी यहूदियों, बाहर ले आया इनको। अब आप बताइए कि अखलाक क्या कहता है, जो हिंदुस्तान के मौलवी कहते हैं, हिंदुस्तान के मौलवी जाकर उसको यह बोलते हैं कि जनाब यहूदियों तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खोदी है, इसके अंदर चले गए, ये हाथ जोड़ दिए आकर एंकर से बता लो, हम बहुत अखलाक वाले हैं, हम तो मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं, हमारी मां की इज्जत लूट लो, बहन की इज्जत लूट लो, मकान लूट लो, मकान जला दो हमारे, लियादा में मेरठ के अंदर भागलपुर में मुसलमानों को जला के रख दिया, इन्होंने मुसलमानों की लाशें लड़ती रही, और ये जाके हाथ जोड़ते रहे उनके सामने कि जनाब हम तो अमन पसंद है, हम तो अमन का पैगाम देते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम दिया है, हम जो है आपके सामने हाथ नहीं उठाएंगे, हमारे तुमने एक कान में थप्पड़ मारा है कि ये दूसरी कान हाजिर है, किसने मार दो, ये किया हमने 70 साल में यहां के मौलवियों ने, 70 साल से मुसलमान को हमको मरवा रहे, 70 साल से। आप ये कहना चाहते थे कि वो यहूदी
जिन्होंने अल्लाह के पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें आकर पे हाथ डालने की कोशिश की तो उस बिल्ला तो नूरुद्दीन तकी क्या उनके सामने हाथ जोड़ते था क्या यहूदियों आइंदा से मत आना चले जाओ यहां से, तुमने गुस्ताखी तो की है लेकिन हमें मोहब्बत का पैगाम दिया गया है, अब तो मोहब्बत के अलम दरदार है। नूरुद्दीन तकी ने कहा इनको निकालो बाहर, निकालने के बाद बात किया उनके दो तो टुकड़ा कर दिए उनके जिसम की अल्लाह की ताकत से खुद अपने हाथ से, और नूरुद्दीन तकी रहमतुल्लाह अलैह रोते फिरते जब मदीना मुनव्वरा की गली में के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए अल्लाह ने मेरे से ये काम लेना नहीं था, अगर सलाम की यूपी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में काफला जा रहा था हज करने के लिए, कोई अंग्रेज यहूदी ईसाई जनरल ने जो काफले को लूटा तो एक काफले वाले ने अल्लाह का नाम लिया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया तो वो कहने लगा बुला लो अपने नबी को फिरोज बिल्ला, और ये बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने कही थी, वो सलाउद्दीन अय्यूबी को पहुंच गई कि उस जनरल ने ये बात कही है, चैन से नहीं बैठे, लड़ाई हुई वो जनरल गिरफ्तार हो गया आ गया और भी आ गए बहुत सबको माफ कर दिया जितने और थे, लेकिन वो क्या लगा मुझे माफ कर दो बिल्कुल, उन्हें मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है तेरे लिए माफी नहीं है, अपने हाथ से उसको कतल किया अपने हाथ से। सलाम अलैकुम ने तो हमारे जैसे मुसलमानों के लिए कहा है उठाए कुछ वर्क लाला ने कुछ गुल ने कुछ नरगिस ने, चमन पे हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्ता मेरी, उड़ाली कुपरियों ने तूतियों ने अंतलीमों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तरफे फुका मेरी, जो मुसलमानों के अंदर शौकत थी शान थी मुसलमानों की जो इज्जत थी मुसलमानों का जो दबदबा था वो आज सारे गैर मुस्लिम ने रवा इकबाल कहते वो फरे वो कुर्ता शाही शाही कहते हो आसमान की जो बांस को जो आसमान की बुलंदी में सीधा शिकार खाता है पकड़ा हुआ नीचे से नहीं खाता, अलावा इकबाल ने मुसलमान को शाही कहा कि वो मरे वो कुर्ता शाही जो पला हो घर के सो में जो गिटों के अंदर पला हो जो बुजुर्गों के अंदर पला हो जिसने सिर्फ बुजुर्ग सीखी हो बचपन से उसे क्या खबर के क्या होती है रौनक को शाहबाज से क्या मालूम। हफीज बेरड़ी रहमतुल्लाह बहुत बड़े शायर गुजरे बहुत बहुत पाए गए आलिम में पेड़ के रहते थे, उन्होंने कहा लेके नामे खुदा बुजदिलों के लिए शेर कहा उन्होंने लेके नामे खुदा जान पर खेल जा बुजदिलों में ना जा मशहूरों के लिए, तुम किसके पास जाते हो उन बौलियों के पास जो बुजदिल है उन पीरों के पास जाते हो जो बुजदिल है उनसे जाकर पूछते हो तो मौलवी साहब क्या करें वो बुजदिल तुम्हें क्या बताएंगे, उनको यह पता नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 तलवारें थी, उनको यह पता नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 टोक थे, उनको यह पता नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोहे की 2 चौकटें थी, उनको यह पता नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने तेज़े थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और घर में दिया जलाने के लिए पैसे नहीं दिया जलाने के लिए तेल डालने के लिए पैसे नहीं, लेकिन मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा हजरत नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा इमाम मुजाहिदीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में उस वक्त भी उस भूखी हालत के अंदर रोटी ना मिलने के बावजूद भी घर में कुछ ना होने के बावजूद भी उस वक्त भी उनके कमरे में 11 तलवारें लग गई। कोई भी आएगा कि नाम पकड़ के ले जाएगा हमको और हम गर्भदान कर देंगे शुरू करने वाले तो फकीर बेड़ी बुलवा रहे थे इसलिए कि नामे खुदा जानवर खेल जा विष्णु बुद्धिलों में न जा मशवरों के लिए पगड़ियों की अब हमें जरूरत नहीं कफन चाहते हैं सब को कुर्बानी की साहबा इकराम रखते तो जिंदगी देखे उठा के कभी नहीं डरे चाहे अकेले थे तब भी नहीं डरे अल्लाह को तुम्हारे मक्का मुश्किल तुम्हारे मक्का फिर वो तशद्दुद करते थे
लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ने इस्लाम कबूल किया, ऊंचा नमाज कहां पढ़ते, वो घर के अंदर नमाज होती थी, मक्के वाले नमाज पढ़ते थे, नहीं थे बैतुल्लाह शरीफ। आज जो है नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह बैतुल्लाह शरीफ। एक तरफ हजरत हमजा रजी अल्लाह तुम तलवार ली आ गया, एक तरफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तुम, और बीच में प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 सहाबा मक्के में गुजर रहे हैं बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। हजरत उमर रजी अल्लाह तुम क्या करें, आगे आगे किसी ने अपने बच्चे यतीम कराने तो आ जाओ भाई सामने, हाथ में तलवार है, जिसने बच्चे यतीम कराने आ जाओ सामने। अब वो कुफारे मक्का जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, वो समझ गए कि नबी उमर मुसलमान हो गया, उनका मसला खराब हो गया, सब डर के मारे अपने घरों में गुजरे, किसी की हिम्मत नहीं हार डालने के लिए। मुसलमानों ने पहली बार ताकत के साथ अल्लाह के फजल करम से नमाज अदा की बैतुल्लाह शरीफ में, जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम ताकतवर मजहब है, इस्लाम दुश्मनों का मजहब नहीं है। पहली आवाज सुन लीजिए, आप और मैं मुस्लिम हो सकते हैं लेकिन इस्लाम मुस्लिम नहीं है। जो मुसलमान पक्का है वो मुस्लिम नहीं है। अपनी हालत बदलिए। एक बादशाह था, उसने ऐलान कर दिया अपने वजीर से, कहा ऐसा है पानी लगे, ऐसा है कि ये जो हमारा पुल है ना, जो हमारा पुल हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालात बता रहा हूं, हमारे यहाँ जो पुल है सामने के नाम, इससे जो आदमी गुजरे उसके दो जूते लगाओ सुबह, उसके बाद पुल पार होगा। दो आदमी की ड्यूटी लगा देंगे, जो आदमी गुजरेगा दो जूते खाने पड़ेंगे, तब ये पुल पार होगा। इंडिया के मुसलमानों की मैं बता रहा हूं, तो 10-15 दिन जूते खाते रहे पब्लिक, बादशाह देखना चाहता था कौम में कितना जज्बा है। एक दिन देखा सारे वो बच्चे हो गया, बादशाह खुश हो गया कि हाँ कौम में तो जज्बा है। पूछा वजीर से, पूछा वो क्यों आया भाई, क्या जी बादशाह सलामत, आपने दो आदमी खड़े कर रखे हैं वहां, हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी पाल भी है, उनकी हालत बता रहा हूं मैं आपको, दो आदमी खड़े रखे वो हम सब गुजरते हैं ना, वो जूते मारते हैं और भीड़ होती है ज्यादा, टाइम होता है कब, तो आप दो की जगह छह कर दें ताकि हमें जल्दी फार्मों में जूते खाने आके निकल जाया करें। ये नहीं कहा बादशाह से कि भाई जूते मत मारिएगा, समझे नहीं, कि दो की जगह छह आदमी कर दे समझे, ताकि हम जल्दी आगे चले जाए। हमारे ऐसे ऐसे पुस्तिल मौलवी है, ऐसे ऐसे कभी के बाप पर जलील हो, जलील पर जलील हो, जो जाके दिल्ली में बड़े बड़े जो मर जाते ना अहले हदूद, उनके लिए कुरान शरीफ पढ़ के दुआ करते और दुआ करते हुए दिखाया जाता है टीवी के ऊपर। एक बात आप सुन लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो जन्नत है, जन्नत जो है वो सिर्फ मुसलमान और मोमिन के लिए बनाई है और किसी के लिए नहीं। चाहे कितना ही बड़ा सखी हो दुनिया में, सारा सारी जिंदगी पैसे बांटता रहे गरीबों से, लेकिन अगर उसने प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टिकट नहीं लिया, प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकुम की तामील नहीं की, प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा, तो किसी कीमत पे जन्नत में जा नहीं सकता। हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ हमारे पास पहुंचा वो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से पहुंचा, और पहुंचाने वाले कौन है, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जमात बहादुर 1,24,000 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जमात है, कोई भी मुश्किल नहीं, सिंगल एक मुश्किल नहीं, समझे, सब बहादुर थे। अल्लाह मदीना शरीफ में एक दवा शोर की आवाज आ गई, शोर हो गया, लोग उनके बाहर देखने लगे कि क्या बात हो गई, इतनी देर में देखा कि घोड़सवार दूर से आ रहे हैं, जो करीब देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की नंगी पीठ पे, वो भी नहीं नंगी सी, गले में तलवार चले आ रहे हैं, और सबसे कहा ठीक ठाक है, मैं देख आया कुछ नहीं है, बहादुर बहादुर नबी घोड़े का छलांग मार के बैठते थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो मोटरसाइकिल के ऊपर नहीं बैठ सकते, तुम इतने मुश्किल हो,
समझे जी, तुम करोगे क्या? साहबा इकराम ने जिंदगी उठा के देखी, जंगे खंडक है सामने, मुश्रकी ने मक्का है, यहूदी है सारे सामने खड़े हुए, और क्या फैसला करके कि इस्लाम को खत्म कर देंगे, आज बिठा के रखेंगे। एक बात कान तोड़ के सुन लो, हमारा ईमान है अल्लाह के पैर में भी शराब उनसे बड़ा गवा दी दुनिया में कोई। अब मैं बोलते इन्होंने भाई इतने बुद्धि लो तुम लोग, अल्लाह के दिन से बड़ा गवा दिया है दुनिया में कोई? अल्लाह के पैर में भी शराब उनकी जोहर की नमाज कजा हुई, असर की नमाज कजा हुई, मगरिब की नमाज कजा, चार नमाजें कजा हो गई जंगे खंडक में कुफार मुशरिकीन से मुकाबला करते करते। तुमसे बड़े दिमाग के मौज मिल तो अपने आप को कितना बड़ा परहेजगार समझते हो? तुम ये समझते हो कि हजूर अकरम सलाम की सुन्नत हमारे चेहरे में नहीं, और उसके बाद सोच लेंगे ये कारनामा अंजाम दे देंगे? चार नमाजें कजा होगी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस लिए? कि सामने दुश्मन था और इतना वक्त नहीं था कि नमाज पढ़ ले, उसके बाद वो चार नमाजें बाद में तरतीब के साथ पढ़ी गई। अल्लाह का रास्ता कहना हर एक मामूली बात नहीं है, अल्लाह का रास्ता वो ही होता है जिसमें खून निकलता है, और जिसमें खून ना निकले वो अल्लाह का रास्ता नहीं है। कान खोल के सुन लो आप, ये नहीं ऐसे कह रहे हम अल्लाह का रास्ता ये नहीं है, ये तो तुम अपनी एक दूसरे की इस्लाह कर रहे हो, इस्लाह समझे नहीं। अल्लाह का रास्ता वही है जिसमें खून निकले, अल्लाह का रास्ता वही है जिसमें जब मैदान के अंदर जाओ वहां की धूल तुम्हारे लगे, ये बाजार वाली धूल नहीं, ये जो फील्डगंज में ये मार ये पूछे वाली धूल नहीं। लिखा है कि मैदान जिहाद के अंदर जहां लड़ाई हो रही हो और जहां घोड़े चलते हो वहां से जो धुआं उठेगा, वो धुआं जो लगेगा तो वो आपको दोजख की आग छुएगी। वो किताब जिहाद में हदीस है मिश्कात शरीफ के अंदर, उस हदीस को पढ़ो तुम, ये हदीस जो है उसमें जाकर लाके नमाज भी लाके रख दे। तुमको बताया कि तुम कौन सा गुलू कर रहे हो, तुम लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, तुम लोग तब्दीली ला अपने अंदर, कौम बढ़ रही है। अभी जो झारखंड में तबरेज अंसारी को मारा गया, और इसके अलावा कितने लोग मारे गए पूरे मुल्क के अंदर, हमने क्या किया उनके लिए? वैसे भी तो हर साल में 100-200 मुसलमान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। हम तो बैठ के फतवा देने वाले के लिए में कि ये जो है गलत है, ये सही है, इसने ऐसा नहीं किया, हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं, अमन तो इस्लाम लाया है, एक बात सुन लो ध्यान से, अमन तो इस्लाम लाया है। शाह मुल्ला साहब हाफिज जैदी रहमतुल्लाह अलैह के एक बात गौर जमील अपनी किताब में लिखी है कि जब तक इस मुल्क का हर फर्द इस्लाम नहीं कबूल करेगा यहां अमन आ ही नहीं सकता। बड़ा उठाकर किताब तुमको कहानियां आती है, कहानियां किससे कहानियां जो है मौलवी ने सुन रखे और किससे कहानियां आगे तुम बयान करते हो? अगर तुम्हें कोई सही बात बताए तो बात गाय कहते हैं कि तो जज्बाती है कि ये है। अरे जज्बाती है, एक बात याद रख लेना, बकरी की तरह गर्दन कटवाने से कोई फायदा नहीं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने फरमाया था गीदड़ की 100 साल जिंदगी से अच्छी है शेर की 1 दिन की जिंदगी। हो गया और आप सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सही मानो तबरेज अंसारी जिसको शहीद कर दिया गया और उसकी बीवी 1.5 महीना पहले जिसकी शादी हुई थी जो बेवा हो गई और घर बार सब खराब हो गया, आखिरी वक्त तक वो चीखता रहा लेकिन कोई इंतजाम करने वाला नहीं। 30 करोड़ मुसलमान आज भी चुप है, आज भी उसकी जुबान बंद है, इनके पास टाइम नहीं है। ये तो कहते जो हमारे घर में होगा तो देखा जाएगा, सबका नंबर आ जाएगा, इनकी याद रख लेना। इसलिए जब तक इकट्ठे नहीं होंगे अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह की रजा के लिए काम नहीं करेंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। कामयाबी इसी में कि हम लोग इकट्ठे हों और अल्लाह उसके पैर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुक्म है उस पर अमल करें। ये जो मौलवी आपको धोखा दे रहे हैं, इनको पूछो कि अल्लाह के नबी ने 27 घंटे लड़ी कि नहीं लड़ी? अल्लाह के नबी सलम रात को सोते हुए अपने पास तलवार रखते थे कि नहीं रखते थे, इनसे पूछो, समझे नहीं? रात को सोने के टाइम तलवार कहाँ होती थी अल्लाह के नबी सलम की, समझे? ये बताने के लिए तैयार नहीं, इनके पास वक्त नहीं है, इनका हलवा बाटा बंद हो जाएगा सारा, अगर तुमको बता दिया ऐसी सारी बात, समझे नहीं? और खत्म हो जाएगा,
ये पीरी पूरी की सारे करके इन्होंने पीरी पूरी करके सारे जितने लोग थे उनको बेवकूफ बना दिया। इनको इतने सुन्नत पढ़ लो, इतने डबल पढ़ लो, ठीक है तुम डबल पढ़ लोगे, सुन्नत पढ़ लोगे, डबल पढ़ने का सुन्नत पढ़ने से पहले अवसर है कि अगर तुम्हारे घर में हमला हो जाए और तुम्हारी बहू की कोई इज्जत लूटे, तुम्हारी बहन की, तुम्हारी माँ की इज्जत लूटे और तुम्हारे बाप के गले पे हाथ डाल दे गाड़ी पे, तो क्या तुम्हें इस्लाम हुक्म देता है कि तुम दो नफल नमाज की नियत मांगो? इस्लाम कहता है पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए दुश्मन से लड़ो, और जब तक वो जब तक लड़ने लो जब तक तुम्हारी इज्जत महफूज ना हो जाए। ये नहीं कहा कि तुम जाके दो नफल नमाज पढ़ लो और तुम्हारे घर में हमला हो जाए और तुम चुपचाप घर में बैठे रहो। इस्लाम ने सारे जाब्ते बताए, नमाज के टाइम नमाज पढ़ो ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी हुक्म दे दिया कि एक जमात जो है वो असला लेके नमाज पढ़े, दूसरी जमात जो है लड़ती रहे, फिर वो आ जाए, फिर वो चली जाए। ये पता नहीं कुछ छुपा छुपा के रखते हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, कौन से लोग कौन सा इन्होंने खा लिया है, हराम माल असल में जाता बहुत है इंटरनेट के, समझे नहीं, जो भी आ रहा है जो भी आ रहा है। ये नहीं पूछते मदरसे में कि भाई ये जकात के पैसे के साथ ये सूद का पैसा दे रहे हो, गाय का पैसा दे रहे हो, आने दो आने दो, उसी में चौधरी बने हुए सारे मदरसे वाले चौधरी है, इतने भी इंतजार नहीं करता। जब रमजान का महीना आता है चंदा लेते हैं, रमजान के बाद जब शवाल का महीना आता है तो बच्चा दाखिले के लिए गए उधर दूर के बैठ बाफी करना, दो हिंदुस्तान के बड़े मदरसे हैं, मैंने वहां हशर जाके देखा, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, उनका मैंने हशर देखा कि वहां 5-5 हजार बच्चे दाखिले के लिए फार्म भरते हैं, उनको रोटी खाने के लिए नहीं देते कि भाई तुम्हारा दाखिला नहीं हुआ इसलिए तुमको रोटी नहीं मिलेगी खाने के लिए, जबकि अल्लाह ने इतना पैसा नहीं रखा है कि आग लगाते भी खत्म ना हो इनके पास, समझे नहीं मदरसे और उनके पास, ये जो दो बड़े मदरसे हिंदुस्तान के 5-5 हजार बच्चे खड़े रहते हैं बाहर, और रात को जब 12 बजे रिजल्ट निकलता है तो एक कंप्यूटर से कागज निकाल के लगा देते हैं, बच्चे लैंटर लेके लाइटर लेके देखते हैं हमारा नंबर आया कि नहीं आया, और इसमें 5 दिन लग जाते हैं, 6 दिन लग जाते हैं, एक एक बच्चा दाखिले के लिए जाता है उसके 10 हजार किसी का 5 हजार खर्च होता है खाने पे, लेकिन मदरसे की तरफ से खाना नहीं मिलता। अरे यतीमों और मस्कीनों का माल तुम्हारे पास है, दो ही बच्चों को खाने के लिए तुम्हें किसने ढूंढा, तुम्हें और पूछ रहा है समझे नहीं। हर मौलवी चौधरी बना हुआ स्टेट बना लिया, स्टेट पहले नवाब हुआ करते थे ना हिंदुस्तान में, अब ये मौलवी नवाब है माशाल्लाह, हर स्टेट के नवाब है रहता रहता, बड़े बड़े मौलवी एक बच्चे को दाखला नहीं मिलेगा ना बगैर, ऐसे बोलते हैं जैसे फकीर हो, अरे यही बच्चे जिनको तुम धक्का दे रहे हो यही मोहम्मद बिन कासिम बने, यही तार यही टीपू सुल्तान बनेंगे जिनको तुम धक्का मार रहे हो, इनकी कदर करो, इन बच्चों को बड़े सीरियस लगाओ, तुम नया बच्चे से बाहर निकालोगे ये दूसरों के पास चले जाएंगे, ये क्लब में जाएंगे, ये डांस करेंगे, ये जुआ खेलेंगे, ये शराब पिएंगे, ये सिनाकारी करेंगे, अगर तुम इनको बच्चे से निकाल के बाहर भेज दोगे, इनको अपने सीने से लगाओ, चाहे बुरे है कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इनको हदायत देगा, इनको जो लोग बिगड़े हुए अल्लाह इनको दाम हाथ पर मेरा काम हदायत देना नहीं, हदायत देना अल्लाह का काम है, एक बात याद रखिए अल्लाह का काम है हदायत देना, हमारा काम जो है दुआ करना, हमारा काम है कोशिश करना, अल्लाह की दुआ करेंगे अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इसको मनमल करने की तौफीक दे, वो थी जमानुद्दीन साहब।